व्हाट्स अप गाइस, सचिन चौहान हियर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चक्रासन ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। गाइस, ये चक्रासन ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप एडवांस हैं तो भी आप इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स ज़रूरी हैं चक्रासन के लिए, क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में ओपन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तभी आप चक्रासन को कम्प्लीट कर पाओगे। तो इस वीडियो में एकदम डिटेल में जाऊँगा हर एक बॉडी पार्ट में कि किस किस बॉडी पार्ट को किस तरीके से स्ट्रेच करना है, कितनी देर के लिए करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड में मैं आपको पूरा एक वर्कआउट सीक्वेंस देने वाला हूँ, और हर वीडियो में जब करते टाइम मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेच को किया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक्सरसाइजेस को ध्यान से सुनना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को देखते हैं। अगर आप न्यू मेरे चैनल पर, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, चक्रासन ऐसा मूव है जिसको आप बैक बेंडिंग का बेंचमार्क समझ सकते हैं। अगर आपका चक्रासन अच्छा है तो हाँ, आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यस, आपकी बैक बेंडिंग काफ़ी अच्छी है और आप काफ़ी एडवांस्ड है अपनी प्रैक्टिस में, चाहे आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिमनास्टिक्स की या नॉर्मल बॉडी वेट ट्रेनिंग की। मगर चक्रासन गाइस अपने आप में एक एक्सरसाइज नहीं है। चक्रासन को आप फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल कंसीडर नहीं कर सकते। चक्रासन हमारी एबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अच्छे से चक्रासन कर पाएंगे, आप चक्रासन करने से फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। तो इसमें मैं कॉम्पोनेंट्स आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। चक्रासन के लिए आपका रिस्ट एक्सटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपके शोल्डर फ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका थोरैसिक एक्सटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपके हिप फ्लेक्सर ओपन होने चाहिए। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स जब एक साथ काम करते हैं तब आप चक्रासन अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए चक्रासन को डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ये इटसेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी मूव नहीं है। एडवांस एथलीट्स, एडवांस योगीज कर पाते हैं क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ओपन रहती है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को करें, ताकि आप चक्रासन कम टाइम में बिना इंजरी के अचीव कर पाएं। तो गाइस चलिए एक्सरसाइजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्ट एक्सटेंशन पे वर्क करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप अपने घुटनों और हाथों पे आ जाएंगे और फिर आगे की तरफ लीन करेंगे और पीछे आएंगे। यहाँ पे मैं डायनामिक अप्रोच अपना रहा हूँ। गाइस फ्लेक्सिबिलिटी को सबसे जल्दी अचीव करने का तरीका डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव के थ्रू है। तो यहाँ डायनामिक और पैसिव मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 10 रेपिटेशन के लिए आप लीन फॉरवर्ड और पीछे जाएंगे, ताकि आपका रिस्ट एक्सटेंशन पे वर्क हो। और 10th रेप के बाद आप वहाँ पे 10 टू 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे उस एंड रेंज में। इसके आप 2 से 3 सेट लगाएंगे। तो जो सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है वो है शोल्डर फ्लेक्शन के लिए। शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या एक्सरसाइज है। तो शोल्डर फ्लेक्शन वर्क के लिए आप बेंच पे लेट जाएंगे और फिर वेट को नीचे जाने देंगे और फिर ऊपर लेकर आएंगे। ये मूवमेंट भी आपको 8 से 10 रेपिटेशन के लिए करना है और फिर एंड रेंज में लास्ट में 10 से 20 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। यहाँ पे मैं टक पोजीशन इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरी लोअर बैक आर्च ना हो और मेरा जो लोड है वो सारा शोल्डर पे रहे, स्पाइन में शिफ्ट ना हो जाए। इसके भी आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंच नहीं है और वेट्स नहीं है तो गाइज आप पपी पोज कर सकते हैं। तो पपी पोज में आप, जैसा कि आप सेटअप देख रहे हैं, इस सेटअप में आ जाएंगे और इसमें आने के बाद आप हाथ जमीन पर रख के अपनी चिन को टच कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी बैक आर्च नहीं होने देनी है, यहाँ पे आपको अपनी बैक को राउंड करना है, अपनी बैक को प्रोट्रैक्ट करना है, बेली को सक करना है। तो PPT बना के रखेंगे हम, पोस्टीरियरली टिल्टेड पेल्विस। इस पोजीशन में आप होल्ड करोगे तो आपके शोल्डर पे स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आपको 1 मिनट तक के लिए होल्ड करना है। इसके भी आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेच करेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। अब तीसरी बात करते हैं हम, तीसरे कॉम्पोनेंट की, जो है थोरैसिक एक्सटेंशन। तो थोरैसिक एक्सटेंशन के लिए भी आप सेम बेंच का यूज़ कर सकते हैं। इस बेंच पर मैंने फोम रोलर लिया है, तो फोम रोलर को मैंने अपने थोरैसिक स्पाइन के ऊपर रख लिया है और फिर अगेन मैं वेट को नीचे मूव करा रहा हूँ और ऊपर ला रहा हूँ। इससे अब सारा लोड जो है मैक्सिमम मेरे थोरैसिक स्पाइन पे जा रहे हैं, तो ये थोरैसिक एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, 10 रेपिटेशन के लिए मूव करना है और आखिरी रेपिटेशन में 10 से 20 सेकंड का होल्ड करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है, आपको अपनी जो लोअर बैक है या फिर बट है, बट को फ्लोर पे रखना है। अगर आप बट को लिफ्ट करेंगे तो आपके लोअर बैक पे लोड चला जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका लोअर बैक फ्लोर पे टच रहना चाहिए, फ्लोर पे या फिर आप बेंच जो भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका लोअर बैक बेंच पे टच रहना चाहिए। अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो आप इसके लिए भी पपी पोज कर सकते हैं। और यहाँ पपी पोज करते टाइम आपको अपनी बैक को प्रोट्रैक्टेड नहीं रखना है, आपको अपनी बैक को रिट्रैक्ट रखना है, यानी अपनी चेस्ट को आउट करना है। तो इससे आपका सारा लोड थोरैसिक पे जाएगा और शोल्डर्स पे कम लोड आएगा। यहाँ पे भी आप 1 मिनट तक का होल्ड करेंगे।
आपको इन दोनों में से जो भी कन्वीनियंट लगता है उसको करना है और इनको 2 से 3 सेट्स के लिए परफॉर्म करना है। ये तीनों एक्सरसाइज हमारी अपर बॉडी कवर करेंगे। अब बात आती है लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी के लिए आप लंजेस करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल लंजेस की जगह हम लॉन्ग लंज करेंगे, तो आप स्टांस बड़ा रखेंगे और फिर नॉर्मल लंजेस परफॉर्म करेंगे। तो इन लंजेस को आपको 8 से 10 रेपिटेशन के लिए परफॉर्म करना है। यहाँ ध्यान यही रखना है कि आपका बैक लेग जितना स्ट्रेट रख सकते हो आपको स्ट्रेट रखना है, ग्लूट्स को स्क्वीज रखना है। लास्ट रेपिटेशन के बाद आप 10 से 30 सेकंड का होल्ड करने की ट्राई करेंगे। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नी को नीचे प्लेस कर सकते हैं और फिर इसको कंटिन्यू 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसको भी आपको 2 से 3 सेट्स के लिए परफॉर्म करना है। सो गाइस, ये सारी एक्सरसाइज और ये सारे जो बॉडी पार्ट मैंने बताए, ये अगर आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपका चक्रासन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि चक्रासन में यही सब चीज़ें ओपन चाहिए। सो गाइस, ये था चक्रासन रूटीन। मैं यूजुअली इतना ही करता हूँ और उसके बाद मैं हमेशा चक्रासन टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके मैं एक ही सेट लगाता हूँ। अगर आपको 2 सेट या 3 सेट ट्राई करना है तब वो कर सकते हो, और इस रूटीन को आप 1 से 2 बार ही ट्राई करो वीक में, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको स्लो लेके जाओ। और अगर ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली की जैसा मैंने बताया, तो चक्रासन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं आप क्या नया देखना चाहते हैं। और गाइस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।